महोदय तुम्हारा कविता राक्षसेंद्र महाराजा धीराज की जय हो। सागर तट से एक वानर आया है, आज्ञा हो तो इसे सभा में लाया जाए। आज्ञा है। तुम कौन हो, किसके राजदूत बनकर आए हो? तुम राजदूत बनकर तो आए हो, राजसभा में आने का शिष्टाचार भी सीखा है? अपने मित्र के पास जाकर और से लगाकर कुशल पूछ लेना, प्रभु राम का विरोध करने से कैसी कुशल होती है वह तुम्हें भली प्रकार बताएंगे। अरे कुल नाशक, तू व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ। जिन हत्यारों ने तेरे पिता का वध किया उन्हीं का दूध कहलाने में तू गर्व अनुभव करता है? मैं तो कुलनाशक हूँ ही, पर तुम क्या तुम के रक्षक हो? अंत मेरे भी ऐसी बातें नहीं किया करते, फिर तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। समस्त संसार जिनके चरणों में अपना शीश झुकाता है उनका दूध बंद कराना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी मानो सीता जी को सागर लौटा दो, अन्यथा ना तुम रहोगे और न ही तुम्हारी शरण लंका। तुम मेरे मित्र का पुत्र है इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कहता। संभवतः तू नहीं जानता तू किसके समक्ष बात कर रहा है। बता तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मेरे साथ युद्ध कर सके? राम स्त्री वियोग से पीड़ित है, भाई के दुख से संतप्त होकर लक्ष्मण के प्राण जा रहे हैं। सुग्रीव मूर्ख, जावंत बूढ़ा, विभीषण जन्म से ही कायर, हार रहे तुम। 100 अभी बच्चे हो। हाँ, वो वानर अवश्य ही दूर था जो कुछ दिन पूर्व लंका में आया और मेरी सोने की लंका को जलाकर चला गया। रावण, जिन हनुमान की तुम चर्चा कर रहे हो वो भी प्रभु श्री राम के आगे वैसे ही हैं, जैसे सूर्य के आगे दीपक होता है। मेरी मानो तो प्रभु राम से अब भी क्षमा मांग लो, अन्यथा ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी स्वरा लंका। वानर होना जिसने पाला है उसके लिए नहीं नाचोगे तो और करोगे क्या? मूर्ख, तू ना जाने उन वनवासियों के बल की तुलना कैसे हमसे कर रहा है। तुमने अभी तक हमारा बल, पराक्रम और तेज नहीं देखा। हमारा नाम रावण है, रावण। सुना है तुम्हारा नाम रावण है, रावण, पर तुम हो कौन से रावण? एक रावण बलि को जीतने पताल गया था, इसे छोटे छोटे बालकों ने अशोकशाला में बांध लिया था, और एक रावण शास्त्र बाहु के चंगुल में आया जिसे स्वयं मुनि पौलस्य ने छुड़वाया, और एक रावण को वर्षों मेरी पिता ने अपनी काख में दबाया रखा। बोलो तुम उनमें से कौन से रावण हो? मर्क्षण, जिसकी भुजाओं के अपार बल को कैलाश जानता है, मैं वो रावण हूँ जिसने अपने शीश काट काट कर महादेव शंकर पर चढ़ाए हैं। मैं वो रावण हूँ जिसके समक्ष वरुण, शूद्र और कुबेर हीन है। मैं वो रावण हूँ जिसके आगे देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी भय खाते हैं। मैं वो रावण हूँ। रावण अभिमान मत कर, जिन्होंने शिव धनुष तोड़ा, परशुराम का गर्भ भंग किया, और जिन्हें तू भी मानता है वे हनुमान भी जिनके सेवक है। राम कोई साधारण मारम नहीं, साक्षात भगवान है। बस बस, मैं तेरी धृष्टता बहुत सह चुका। अब तुम मरना ही चाहता है तो किसी भी छोटे से योद्धा से कहूं तुझे उठाकर सागर पार फेंक देगा। पहले अपनी ओर देख फिर मुंह से शब्द निकाल। आना
कि मैं प्रभु श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूँ। बीपीले मैं तेरी ही धरती पर तेरे स्तंभ में अपने लोग नहीं होंगे। यदि तेरा कोई भी होगा इसे धरती से लेश मात्र भी हिला देगा तो हम बिना युद्ध की ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे और तुम सब इस निक विनाश से बच जाओगे। वानर को पांव समेत उखाड़कर सागर पार फेंक दो। Thank you.
मेघनाद, वानर को पांव समेत उखाड़ कर सागर पार फेंक दो। छोड़ी कपि चरणन ने कांपे बहु बलवा दीन शक्ति निज राम ने तोड़ा शत्रु सियापति रामचंद्र की। मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। अब मैं स्वयं तेरा गर्भ भंग करता हूं। मेरे राम बस बस, मेरे चरणों में गिरने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जाओ जाके प्रभु श्री राम के चरणों में गिरो, जिससे तुम्हारा लोक बकर लोक दोनों सुधरे। बोलो तुम क्या चाहते हो? यदि तुम सर्वनाश चाहते हो तो हमारी ओर से भी युद्ध की घोषणा है।